आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि स्टमक कौन से सिस्टम का पार्ट है। तो जो आपका स्टमक होता है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है, ओवरऑल हम जब बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है और आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल से हमारा मतलब है एक एंड टू एंड ट्यूब, एक लॉन्ग आप मस्कुलर ट्यूब को इमेजिन करो जो कि आपके ईसोफेगस से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर आपका स्टमक आता है, राइट। फिर आपका डियोडिनम जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर आता है आपका जेजुनम, राइट। फिर आपका आता है ईलियम, और ईलियम आपका कनेक्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और फिर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जाके ख़त्म होता है रेक्टम में, राइट। तो जो आपका माउथ से चालू हुआ ये ट्यूब और एंड हुआ है आपके रेक्टम में, तो ये पूरा एक जो लॉन्ग ट्यूब बना है आपका, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपका स्टमक आता है। तो स्टमक इज़ पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। दूसरे जो ऑर्गन्स हैं आपके जो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आते हैं मगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं, वो है आपका लिवर, आपका स्प्लीन, आपका पैंक्रियास, आपका अपेंडिक्स। तो ये जो ऑर्गन है इसको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपके ऑर्गन्स है दिस आर योर एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो पहले तो आपको ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और रेक्टम में एंड होती है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी है समझना, और वो ये है कि आपका जो स्टमक होता है वो इंटरपेरिटोनियल होता है। अब इंटरपेरिटोनियल मतलब क्या होता है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। आप सब जानते हैं कि जो आपका रिब केज होता है वो आपका थोरेसिक कैविटी बनाता है, और जस्ट आपका जो जो रिब्स है इसके नीचे आपका डायफ्राम आता है। ये जो डायफ्राम है आपका, यहाँ पे जो मैं आपको बना रहा हूँ आपको शो करने के लिए, ये रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है, ये जो डायफ्राम है ये थोरेसिक कैविटी को और आपके जस्ट इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो स्टमक है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपका जो थोरेसिक कैविटी है वो डायफ्राम के ऊपर, और हम अब जब बात कर रहे हैं आपके एब्डोमिनल कैविटी की, तो वो आएगा आपके डायफ्राम के नीचे। इतना आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टमक जो होगा आपका, जस्ट यहाँ से आपको एक कर्व दिखेगा, राइट। तो स्टमक आपका होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और हमने बोला था स्टमक एक इंटरपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि एक पेरिटोनियम लेयर होती है जो कि हमारे पूरे एब्डोमिनल कैविटी को कवर करके रखती है, इस तरीके से, पूरी तरीके से कवर करके रखती है, आगे से भी और पीछे से भी। तो अगर हम एक लेटरल व्यू देखें किसी पर्सन का, तो लेटरल व्यू में आपको क्लियरली दिखेगा कि जब हम आपका ईसोफेगस बनाएंगे, है ना, यहाँ पे आपका स्टमक आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका समथिंग लीवर आ जाएगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए स्प्लीन
स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ कहीं पे आपका रेक्टम आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके जो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, एलिमेंट्री कैनाल के भी हो गए और आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हो गए, ये सारे के सारे जो होते हैं, है ना। अब लीवर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टमक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ समझना है कि जो स्टमक होता है वो इंट्रा पेरिटोनियल होता है, यानी कि दोनों साइड से इसको पेरिटोनियम कवर करती है ना। हम दूसरे ऑर्गन को हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपका जो स्टमक है तो इस ये आगे से भी इसकी कवरिंग है और पीछे से भी इसकी कवरिंग है। तो जो पेराइटल पेरिक आपका पेरिटोनियम होता है वो स्टमक को एंटीरियरली भी कवर करता है और पोस्टीरियरली भी कवर करता है, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ पता चल गई कि स्टमक इज़ योर इंटर पेरिटोनियल ऑर्गन। और जो पेरिटोनियम होती है, ये पेरिटोनियम का काम होता है कि ये जो ऑर्गन्स है, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल, ये सब अपनी जगह पर स्टेबल रहे, फिक्स रहे, ये अपनी जगह से मूव ना करें। और जो आपकी ये पेरिटोनियम होती है, एक स्लिपरी सब्सटेंस सिक्रीट करती है। जो आपके ये ऑर्गन्स होते हैं, आपको एक और चीज़ बता दूं, जो आपका स्टमक है और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, इनके ऊपर एक और लेयर रहती है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशिया, ठीक है। ये जो एडवेंटिशिया है ये पेरिटोनियम के साथ कंटिन्यूस रहती है, ठीक है। तो हम अब जब भी बात करेंगे किसी भी डाइजेस्टिव ऑर्गन की, तो वो तीन लेयर से मिलके बना है। हम आगे देखेंगे कौन सी तीन लेयर, लेकिन किसी भी अगर आप डाइजेस्टिव ऑर्गन को उठाकर देखोगे तो उसकी जो आउटर लेयर है वो आपको एडवेंटिशिया की बनी हुई मिलेगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी आउटर लेयर एडवेंटिशिया होती है और ये एडवेंटिशिया पेरिटोनियम से कनेक्टेड रहती है। एम आई क्लियर? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टमक का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसका रिलेशन है। उसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टमक होता है वो जस्ट डायफ्राम के नीचे होता है। और जो एक और चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि जो डायफ्राम है, अब स्टमक आपको पता है कि ईसोफेगस के थ्रू आता है इस तरीके से, तो कुछ ओपनिंग आपके डायफ्राम में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल हायाटस, ठीक है। तो ये जो ईसोफेजियल हायाटस है, इसके थ्रू ही आपका जो ईसोफेगस है वो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है। आपने सुना होगा हायाटल हर्निया, उस केस में क्या होता है कि ये जो आपका कार्डिया वाला स्टमक का पार्ट है, कई बार ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होके थोरेसिक कैविटी में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हायाटल हर्निया। जिसके चार टाइप्स होते हैं वो आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में देख लेंगे, बट इधर आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि स्टमक डायफ्राम के नीचे होता है और जो ईसोफेगस है वो एंटर कहाँ से होता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो आपको पता होना चाहिए ईसोफेजियल हायाटस से एंटर होता है। अब हम देखेंगे स्टमक की लोकेशन, एरिया कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि स्टमक का शेप क्या है। तो स्टमक आपका जो होता है वो जे शेप है। आप एक बेसिक अगर आप देखें इसको, तो जे शेप आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट। और एक आपको स्टमक में दिखेगा ग्रेटर कर्व और एक आपको दिखेगा लेसर कर्व। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर और इसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर। ये इजी है याद करने के लिए, इसलिए मैंने आपको तीन एनाटॉमी के पॉइंट्स पहले ही बता दिए। अब जो स्टमक का एंट्री पॉइंट रहेगा फूड के लिए, जहाँ से वो एंटर होगा स्टमक में, वहाँ पे आपका एक स्फिंक्शर रहता है। स्फिंक्शर जो होता है, एक स्पेशलाइज्ड आपकी स्मूथ मसल्स रहती है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, आप अगर पूरा देखेंगे तो पूरा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है स्पेशली, और स्टमक, इसको हम बोलते हैं, इसका खुद का एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। स्टमक का बोलते हैं कि स्टमक इज़ योर सेकेंड ब्रेन, इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो खुद ब खुद स्टमक को कंट्रोल करता है कि कब उसको क्या एसिड सिक्रीट करना है, कौन सा डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना है।
तो डैट्स वाई वी कॉल स्टमक एज द सेकेंड ब्रेन। हम आगे देखेंगे फिजियोलॉजी में कि कैसे आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, बट फॉर नाउ आप इतना समझ लीजिए कि जो स्टमक में आपके फूड की एंट्री होती है उसको आपका कार्डियक स्फिंक्टर गवर्न करता है। अब इसको कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्फिंक्टर है ये हार्ट के लेवल में रहता है, ठीक है, आपका जो हार्ट है वो भी इसी लेवल में रहता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। और जो फूड है वो इस रीजन से एंटर होगा, ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे, कार्डियक स्फिंक्टर के नीचे जो आपका रीजन आएगा जिसको मैं ग्रीन से ही शो करता हूँ, राइट, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिया, इस रीजन को हम बोलेंगे कार्डिया। देन आपका जो स्टमक का ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडस, एंड उसके बाद हम इसको ब्लू से दिखाते हैं, ये है आपका बॉडी, एंड जो आपका आखिरी वाला पार्ट है स्टमक का उसको हम बोलते हैं पाइलोरस, जिसको कि मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ तो याद करने में आपको आसानी होगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टमक के बेसिक रीजन्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि स्टमक के रीजन्स क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि दिस इज़ योर कार्डिया रीजन, दिस इज़ योर फंडस, दिस इज़ योर बॉडी एंड दिस इज़ योर पाइलोरस। इनका हम फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बाद में देखेंगे, पर एनाटॉमी में आपको इतना याद रखना है कि फूड एंटर होता है कार्डियक स्फिंक्टर से, और जब एग्जिट होगा, जब फूड का एग्जिट होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डुओडिनम, ठीक है, ये जो डुओडिनम है इसमें जब आपका फूड एंटर होगा तो यहाँ पे भी आपको एक स्फिंक्टर मिलेगा, और ये जो स्फिंक्टर है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दो स्फिंक्टर होते हैं जो कि फूड की एंट्री को गवर्न करता है, और हमारा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो फूड के एग्जिट को गवर्न करता है। और जब डाइजेशन चलता है हमारे स्टमक के अंदर, जब आपका स्टमक की जो मस्कुलरिस लेयर रहती है जब वो एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, आपके स्टमक के अंदर जब एक चर्निंग मूवमेंट होता है तब आपके दोनों स्फिंक्टर ये क्लोज रहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, स्टमक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्टमक होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है सबसे पहले वो एडवेंटिशिया से बनी होती है, और ये जो एडवेंटिशिया है वो आपकी पेरिटोनियम से कनेक्टेड रहती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकेंडली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टमक की हम इनर मोस्ट लेयर से चालू करते हैं तो आपको समझने में ईजी रहेगी, क्योंकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हम इंटरनल लेयर से चालू करते हैं। तो जो सबसे इनर लेयर है हमारी स्टमक की, राइट, दिस वन, ये है आपकी म्यूकोसा, ठीक है। ये जो म्यूकोसा होती है ये, इसके अंदर आपको स्पेशलाइज सेल्स मिलेंगे, गैस्ट्रिक सेल्स मिलेंगे, आपके गॉबलेट सेल्स मिलेंगे। वो क्या सीक्रेट करते हैं वो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक इज म्यूकोसा, और जैसे कि नाम सजेस्ट करता है इट विल सीक्रेट म्यूकस। जस्ट म्यूकोसा के बाद आपको दिखेगा सब म्यूकोसा, ठीक है। जो सब म्यूकोसा होता है उसके अंदर भी आपको कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखेगी, म्यूकोसल गॉबलेट सेल्स ये सब दिखते हैं, बट सब म्यूकोसा का काम है कि इसके जस्ट जो नीचे लेयर होती है मस्कुलरिस वो इसको बाइंड करके रखती है आपके म्यूकोसा के साथ। तो जस्ट इसके नीचे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका म्यूकोसा यहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट हियर यू कैन सी दिस इज़ योर, सॉरी दिस इज़ योर मस्कुलरिस, ठीक है। तो ये आपके लेयर हो गई मस्कुलरिस, ठीक है। तो ये तीन लेयर से आपका बना है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस। और आउटर मोस्ट लेयर मैं आपको बता चुका हूँ वो है आपकी एडवेंटिशिया, ठीक है, ओके, एडवेंटिशिया स्लैश करके सिरोसा है ना, कहीं कहीं पे सिरोसा भी रहता है। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ दैट जो आपकी सब म्यूकोसा लेयर है उसके अंदर आपको पहले तो ये कॉल्यूमनार एपिथीलियम की बनी होती है। जो आपका ये म्यूकोसल लेयर है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉल्यूमनार एपिथीलियम
ठीक है, पहली चीज़। और आपके जो ये कॉलमनार एपिथेलियम, अगर आप इसको जूम करोगे तो इसके अंदर आपको गैस्ट्रिक पिट्स दिखेंगे, ठीक है। ये जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, ठीक है, इन गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर आपकी स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। तो ये जो आपको डिसेंड दिख रहा है एक गड्ढे की तरह, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलेगी, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये कुछ जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जैसे गैस्ट्रिन हो गया, आपका पेप्सिनोजन हो गया, आपका सोमेटोस्टैटिन हो गया, जो कि हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ये सिक्रीट करते हैं। देन हम देखते हैं मस्कुलरिस को, जो कि आपकी मस्कुलर लेयर होती है। तो स्टमक में तीन सब लेयर्स होती है आपकी मस्कुलरिस की। जो इनर मोस्ट होती है, वो होती है आपकी ऑब्लिक फाइबर से बनी हुई। यानी कि अगर आप तीन लेयर्स को देखोगे तो ये ऑब्लिक फाइबर्स की बनी हुई होगी। फिर जो मिडिल लेयर होगी वो आपके सर्कुलर फाइबर से बनी हुई होगी, और जो आउटर मस्कुलरिस लेयर है वो आपके लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से बनी होगी। और ये जो मसल्स है ये स्मूथ मसल है, ठीक है। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती है जो कि आपके ऑर्गन्स को लाइन करती है, और ये जो स्मूथ मसल्स है ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल होती है। एंड टू बी स्पेसिफिक, आप बोल सकते हो कि वेगस नर्व का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, राइट। वेगस नर्व इज़ योर 10th क्रेनियल नर्व। तो जो स्मूथ मसल्स है, राइट, मस्कुलरिस, ये तीन सब लेयर से मिलके बनी है, और ये जो तीन लेयर्स है जब इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो एक चर्निंग मूवमेंट होता है, और ये चर्निंग मूवमेंट हेल्प करता है आपके फिजिकल डाइजेशन में, मिक्स करने में हेल्प करता है। जो भी गैस्ट्रिक जूस आपका स्टमक सिक्रीट करेगा वो आपके इस कैविटी के अंदर जाएगा, और ये जो कैविटी के अंदर आपका फ्लूइड गया है ये फूड से मिक्स करने में कौन हेल्प करेगा? चर्निंग मूवमेंट। आप एक मिक्सर को इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो उसी तरीके से आपका स्टमक भी काम करता है। अब हम देखते हैं कि जो स्टमक है वो दूसरे ऑर्गन्स के कंपेयर में उसकी पोजीशन कहाँ पर है, ठीक है। इट्स वी विल सी स्टमक एंड इट्स रिलेशन विथ अदर ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम एक स्टमक की आउटलाइन बना लेते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, एंड इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। नाउ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो स्टमक है, राइट, जस्ट उसके लेफ्ट साइड में आपका लीवर प्रेजेंट रहता है, और लीवर को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ ताकि वो आपको विजिबल रहे। तो ये आपका लीवर का राइट लोब है, जो लेफ्ट लोब है वो हल्का सा आपका जो कार्डिया रीजन एंड जो आपका हल्का सा फंडस वाला रीजन रहता है उसको हल्का सा वो कवर करता है। तो दिस इज़ योर लीवर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो स्टमक का जो एंटीरियर पार्ट है आगे की तरफ, तो आपको वहाँ पे लेफ्ट लोब ऑफ लीवर दिखेगा। अगर आप स्टमक के नीचे देखेंगे तो आपको स्टमक के नीचे आपको डियोडिनम मिलेगा, जस्ट हियर, और आपको पैंक्रियाज भी यहीं पे मिलेगा। तो स्टमक के इन्फीरियर यानी कि नीचे आप बोल सकते हो कि आपको पैंक्रियास मिलेगा। अब अगर आप स्टमक का राइट साइड देखते हो, फंडस वाला रीजन देखते हो, तो जस्ट फंडस के पीछे आपको मिलेगा स्प्लीन, ठीक है। जस्ट हियर आई विल ड्रॉ विथ अदर डायग्राम। जस्ट यहाँ पे आपको स्प्लीन मिलेगा लाइक दिस, राइट। और पीछे आपको किडनी भी मिलेगी, राइट। तो इसी एरिया में आपको पोस्टीरियर साइड में आपको किडनी भी देखने को मिलेगी, राइट। और इस साइड अगर आप देखोगे, बिकॉज ऑफ लीवर जो आपकी राइट किडनी रहती है वो आपकी थोड़ी सी लोअर रहती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। तो यहाँ पे आपको आपकी राइट किडनी देखने को मिलेगी। स्टमक के जस्ट पीछे अगर आप पोस्टीरियर बात कर रहे हैं तो आपको एओर्टा और वीने कैवा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिसेंडिंग एओर्टा,
राइट हियर, राइट, और आपको आपका इन्फीरियर वीना कावा भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इन जनरल और भी ऑर्गन से जो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल आपको इसी जगह पे अगर आप देखेंगे तो आपको आपका ट्रांसवर्स कॉलोन भी दिखेगा। ट्रांसवर्स कॉलोन आगे की तरफ रहता है और आपका जो डियोडिनम रहता है वो पीछे की तरफ रहता है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलोन भी दिख जाएगा जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये ऑर्गन्स है जो कि स्टमक के रिलेशंस में प्रेजेंट रहते हैं। तो आप बोल सकते हो कि इन जनरल अगर आपसे कोई बोले तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर किसी को बता सकते हैं कि एंटीरियर में आपको लेफ्ट लोब मिलेगा लीवर का, राइट। अगर आप स्टमक के लेटरल देखेंगे, है ना, लेटरल पोस्टीरियर देखेंगे तो आपको किडनीज मिलेगी, है ना, लेटरल, या फिर आप पोस्टीरियर ही कर लीजिए जो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि लेटरल साइड में हो जाएगा। तो पोस्टीरियर में आपको किडनी मिलेगी, स्प्लीन मिलेगा, आपको एओटा मिलेगा, आपको वीने केवा मिलेगी। और अगर आप इन्फीरियर देखना चाहते हैं तो इन्फीरियर में आपको ट्रांसफर्स कॉलोन मिलेगा, पैंक्रियास मिलेगा, ड्यूडिनम मिलेगा, राइट। और अगर आप एंटीरियर देखना चाहते हो स्टमक के, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो स्टमक होगा उसके एंटीरियर में आपको क्या मिलेगा, थोरेसिक केज मिलेगा हल्का सा, है ना, आपको पेरिटोनियम मिलेगी, राइट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेरिटोनियम मिलेगा। और अगर आप सुपीरियर देखेंगे स्टमक का, स्टमक के ऊपर, तो आपको डायफ्राम मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टमक का आपका जो रिलेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टमक का आपको यहाँ पे जो रिलेशन है दूसरे ऑर्गन से, वो आप क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज द रिलेशन ऑफ स्टमक विथ अदर ऑर्गन्स। एंड एक और चीज़ जो हम आखिरी में समझ लेते हैं कि जो स्टमक होता है आपका, उसके अंदर जो आपके एक व्रिंकल्स टाइप रहते हैं जिसको हम रगे बोलते हैं, ये जो रगे रहता है जब आप खाना खाते हो तो ये रगे स्ट्रेच हो जाता है। तो जब ये रगे जो है, जो कि एक व्रिंकल्स टाइप आप समझ सकते हो, ये जब स्ट्रेच होता है तो स्टमक का साइज़ बढ़ जाता है, और जब आपका स्टमक एम्प्टी रहता है तब ये रगेज आपको विजिबल, मतलब आप देख सकते हैं एनाटॉमिकली आपको स्टमक के अंदर ये प्रेजेंट मिलेंगे इन एन एम्प्टी स्टमक। बट जब आपका स्टमक के अंदर आप फूड खाते हो, फूड स्टमक के अंदर जाता है, तो सीधी सी बात है स्टमक स्ट्रेच होगा, तो तब ये रगेज क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, और ये तब विजिबल नहीं होते। तो आप बोल सकते हो कि दे आर जस्ट लाइक व्रिंकल्ड पीस ऑफ क्लोथ, है ना, आप किसी कागज़ को अगर व्रिंकल्ड एकदम दबा दोगे तो उसमें व्रिंकल्स आ जाते हैं। तो इन द सेम वे स्टमक के अंदर भी रगेज प्रेजेंट रहते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट स्टमक्स एनाटमी। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा ईसोफेगस को भी देखेंगे, क्योंकि हमने इस क्लास में देखा नहीं, और अपन थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन को भी डील करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू।